दोस्तों, अगर आप 150 सीसी सेगमेंट की कोई बाइक देख रहे हैं, बजट है आपका 1,50,000 तक का, तो टीवीएस ने अपाची को 165 सीसी आरपी रेस परफॉर्मेंस सेगमेंट में लॉन्च किया है। लिमिटेड एडिशन आपको 200 इसके प्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, 164.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर वॉल ऑयल कूल्ड वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि अपने सेगमेंट में काफी अच्छी 90.2 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है ये 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। लेकिन ये जो अपाची आरटीआर है, इसमें अब भी क्या है, 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। तो आप इसकी ओर कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट है 1,50,000 तक का, क्योंकि इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग है 1,45,000 इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग लिखी गई है। तो अप्रोक्स जाएगा 160 या 65 तक में। और क्या है, ये लिमिटेड एडिशन है, 200 ही यूनिट प्रोडक्शन में लाई गई हैं। क्या पता ये आपको और आगे देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसमें क्या है, रेस ट्यून आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, और जो है रेसिंग ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले सस्पेंशन की बात कर दूं, फ्रंट में आपको शोवा के जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे रेस ट्यून वाले, और रियर में क्या है, आपको मोनोशॉक 7 स्टेप एडजस्टेबल वाले देखने को मिलते हैं। फ्रेम की बात करूं, डुअल कैडर स्प्लिट आपको स्टिफ फ्रेम देखने को मिलेगा, जो कि 25% एकदम जो रेस टैग की जो बाइक होती है उसको बैलेंस उसी टाइप में बनाया गया है ये पूरा फ्रेम। और फ्रंट में आपको 90x90 सेक्शन का 17 इंच का टायर देखने को मिलता है। रियर में आपको रेडियल टायर आपको 130mm का देखने को मिलता है। ब्रेक की बात करें, सिंगल चैनल ABS 270mm की सिंगल पेटल डिस्क देखने को मिलेगी। फ्रंट में सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा इसमें। रियर में आपको 240mm की डिस्क देखने को मिलती है। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 123 किलोमीटर पर आवर की है, और जो वेट है इसका 148 kg का रहने वाला है। फोर जो आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा वही 12 लीटर का देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात कर दूं, ये जो आप इसके ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें जो है आपको काफ़ी जो रिम्स हैं वो रेड कलर में आपको जैसे MT15 में देखने को मिलते थे वैसे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये MT15 को भी काफ़ी अच्छा कॉम्पीट करने वाली है, जैसे आप ये देख रहे होंगे। और आपको प्रीमियम सीट डिज़ाइन देखने को मिलता है इसमें, और साथ ही साथ एडजस्टेबल आपको क्लच और ब्रेक लीवर भी देखने को मिलेंगे। और ये जो रेसिंग डिकैल्स हैं, ये आपको सिर्फ इसी लिमिटेड एडिशन में देखने को मिल सकते हैं। क्या पता इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा तो ये आपको रेसिंग डिकैल्स आपको शायद नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी जो है मेजर चेंजेस आपको इसमें इंजन में देखने को मिल रहा है। अपने सेगमेंट में अच्छी खासी 19.2 PS की पावर वाला आपको ये जो इंजन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सिंगल चैनल ABS आपको इसमें दिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आप इसे बुक करवा रहे हैं, नियर बाय उत्तराखंड है तो इसे आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सके, वैसे भी बुक करवा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट जरूर करें अगर आप नियर बाय उत्तराखंड में हैं, अगर आप ले रहे हैं ये वाला जो रेस परफॉर्मेंस वाला जो है 164 सीसी वाला जो अपाची RTR आई है, इसको अगर आप कंसिडर कर रहे हैं। फ्रंट में जो है बाकी जब जो कॉस्मेटिक चेंज है ज़्यादा कुछ, आपको हेडलैम्प वही देखने को मिलती है जो अभी आ रही है अपाची RTR 160 में, वही LED वाली टेल लैम्प भी वैसी देखने को मिलेगी। जो मेजर चेंजेस है वो मैंने बता दिया आपको, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जो इसके डिकेल्स हैं थोड़ा क्या है, आपको डिज़ाइनिंग में आपको इसमें चेंज आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, वही अपाची जो 160 आती है वैसी डिज़ाइन है। लेकिन जो है डिकेल्स आपको वो चेंज आपको देखने को मिलेंगे, ग्राफिक्स चेंज देखने को मिलेंगे, और जो इंजन है वो चेंज देखने को मिल रहा है 19.2 PS वाला, जो कि 160 जो 4V आती है वो 17.5 HP की पावर प्रोड्यूस करता था, लेकिन ये है 19.2 PS की प्रोड्यूस करेगा पावर। तो यहाँ आपने देख लिया, बाकी प्राइसिंग की बात मैंने कर दी, जो है प्राइस जो है इसकी 1,45,000 होने वाली है एक्स शोरूम। बाकी ऑन रोड के लिए देखते हैं कितनी जाती है ये, अप्रॉक्स 65 तक तो जाएगी ये। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, जो मेन TVS ने अपाची RTR को 165 RP रेस परफॉर्मेंस वाला जो इसका जो मॉडल निकाला है अपाची में, 164.9 CC का नया इंजन आपको इसमें फोर वॉल वाला देखने को मिल रहा है, ये लिमिटेड एडिशन है। तो अगर आपने लेना चाह रहे हैं 160 CC सेगमेंट में, अगर 155 CC सेगमेंट में भी अगर आप जा रहे हैं, तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी नए ग्राफिक के संग आपको ये अपाची RTR 160 को अगर आप बुक भी करवा लिया है तो इसे कैंसिल करके इसे ले सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।